सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका टॉप से टूडे चैनल में स्वागत है। आज बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप में ज्यादा मूवमेंट होता देखने को मिल रहा है। इस बाजार में अभी किसी स्टॉक में पैसे निवेश करने पर ज्यादा रिटर्न बन सकता है, इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या कंटिन्यूशन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आज के स्टॉक का नाम है आईटीआई लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टॉक का वॉल्यूम देखें तो स्टॉक आज के दिन ओपन हुआ 318 रुपए पर। स्टॉक ने हाई लगाया 333 रुपए का। अपने हाई से स्टॉक में ऑलरेडी 9 रुपए की करेक्शन देखने को मिल रही है। करंट लेवल पर स्टॉक 324 रुपए 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक में आज के दिन 3.5% की रैली देखने को मिल रही है। स्टॉक के वॉल्यूम की बात करें तो बायर क्वेरेंटी नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 1,56,695 क्वेरेंटी है, तो वहीं पर बेचने वालों के नंबर्स देखें तो सेलर्स क्वेरेंटी 5,01,653 क्वेरेंटी देखने को मिल रही है। तो बायर्स के मुकाबले सेलर्स के नंबर लगभग 4 गुने से भी ऊपर देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर ट्रेड वॉल्यूम की बात करें नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 22,50,906 क्वेरेंटी देखने को मिली है। तो काफी बड़ी वॉल्यूम के साथ स्टॉक के अंदर आज के दिन लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। साथ के साथ स्टॉक के प्राइस में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा जिससे साफ पता लगता है कि इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 0.5% की करेक्शन देखने को मिली है। वहीं एक महीने में 13%, परंतु 3 महीने में 21% की तेजी, 6 महीने में 183% और 1 साल के अंदर 226% से भी ऊपर के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो जिन निवेशकों ने इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म से बाय करके होल्ड किया था उन्हें तो काफी अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है, परंतु पीछे के एक महीने से स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक का नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 268 रुपीज। 268 रुपीज के स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाया और यहीं से स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहा था, जहां पर स्टॉक में ऊपर एक रुकावट रेंज से 333 रुपीज से स्टॉक में एक रुकावट रेंज की तरह काम कर रहा था। पर जैसे स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने एक नया हाई बनाया 384 रुपीज का। 384 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली और स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 333 रुपीज उस प्राइस को भी स्टॉक में ब्रेक डाउन किया और स्टॉक ने नया लो बनाया 268 रुपीज, जो कि स्टॉक का पिछला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जहां से स्टॉक में एक डिमांड जोन देखने को मिल रही थी। वहां तक तो स्टॉक ने एक लो बनाया और एक सपोर्ट लेकर स्टॉक में फिर से एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 310 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 385 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ऊपर स्टॉक में एक बड़ी रैली जब देखने को मिलेगी जब स्टॉक 333 रुपीज के प्राइस से ऊपर ट्रेड करता है। 333 रुपीज पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज है, स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देता है एक बड़ी तेजी दिखा सकता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।